मैंने आपको क्या बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमारे लिए लगभग, सुनो आवाज आ रही है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने तीन केस कंसिडर किए थे। पहला केस हमारा क्या था, बड़े स्क्रीन में शेयर करिए, दिख रही है सभी को? यस सर। ओके, तो देखो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको तीन केस बताए थे। पहला केस ये था कि जब रूट जो होते हैं वो सेम होते हैं, नॉन रिपीटेड होते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं, तो तीन ही केस कंसीडर कर दिया था बेसिकली। तो अगर नॉन रिपीटेड होते हैं मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं तो कैसे करते हैं, रिपीटेड होते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि अगर हमारे पास दो फैक्टर हों, अगर हमारे पास दो फैक्टर हों, जैसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपने लिखा होगा, एक फैक्टर है x माइनस ए और एक फैक्टर है सपोज हमारे पास x प्लस ए। तो मैंने आपको बताया था इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्या होता है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, दोनों में डिफरेंस कितना है, एक्स, एक एक्स का डिफरेंस है, बस ज्यादा नहीं, ऊपर एक्स की पावर जीरो है नीचे एक्स की पावर वन है, तो वन का डिफरेंस है, तो हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, वन अपॉन टू ए ब्रैकेट, सबसे पहले किसको लिखे, सबसे पहले लिखा जाएगा वन प्लस वन माइनस और उसके बाद माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए ये बताया था मैंने। हालांकि मैंने वहां पे जो नोटेशन यूज किया था वहां मैंने स्मॉल ए लिया था, तो कुछ भी नोटेशन यूज कर लीजिए, तो उसमें क्या है, ठीक है। अब देखिए इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ऊपर देखिए x की पावर कितनी है जीरो, नीचे x की पावर वन है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, वन का डिफरेंस है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है। तो यही चीज हमारे यहाँ पर है, क्या है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नीचे वाले फैक्टर को देखिए, नीचे वाले फैक्टर को मैंने क्या लिखा, एस स्क्वायर का स्क्वायर एस की पावर फोर, फोर ए फोर को लिख दिया टू ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन सकता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, अगर मैं इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, एक बार इसमें फोर ए स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार फोर ए स्क्वायर एस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने फोर ए स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड कर दिया और फोर ए स्क्वायर एस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और एडिशन वाले टर्म को मैंने साथ में ले लिया, यानी कि फर्स्ट, दिस मींस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मैंने एक साथ ले लिया, माइनस जो ये फैक्टर है इस फैक्टर को मैंने अलग कर दिया। स्टार्टिंग के जो तीन फैक्टर हैं ये मिलके बनाएंगे एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ये फैक्टर आता है एस का होल स्क्वायर। बताइए आपको इस लाइन तक समझ में आया या नहीं आया, पहली बार पहले तो मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन। अब इसमें लगाइए, अब आप इसमें लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए है आपका ए एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर और बी है आपका टू ए एस, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बिकम ए प्लस एस, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये लाइन आपको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे बताओ। आ गया सर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले फैक्टर से नीचे वाले फैक्टर में क्या डिफरेंस है, ऊपर एक्स की पावर वन है नीचे एक्स की पावर टू है, यानी वन का डिफरेंस है, तो इसमें हम डायरेक्टली वो फैक्टर लगा सकते हैं अगर हमने देखा हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए एस प्लस बी करके वो तरीका लगाएंगे, ए एस प्लस बी और सी एस प्लस डी, हम क्या इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट अपना एक तरीका लगाएं तो उससे भी हो सकता है, आप करके देख लीजिएगा, ए एस प्लस बी सी एस प्लस डी से वही आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो कोई दिक्कत आएगी। तो यही मैंने आपको फॉर्मूला, अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला जो मैंने स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिख रखा है ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी मैंने आपको बताया नहीं बताया,
अब आप इस फैक्टर में एक चीज देखिए, आप थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले एस को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले एस को भूल जाइए, इस ऊपर वाले एस को आप मल्टीप्लाई कर देना बाद में। अब आप इक्वेशन वन के नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म को जरा देखिए एक बार, इस टर्म में देखिए दो टर्म ये एक जैसी है, दो टर्म ये एक जैसी है, कि एक मतलब तीनों टर्म एक जैसी है, लेकिन ये दो एक साथ लीजिए और इसको अलग लीजिए, ये दो एक साथ लीजिए और इसको अलग, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। नहीं नहीं अभी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो एक बार, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ। ये एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर को एक टर्म मान के चलिए, एक टर्म, और टू ए एस को एक दूसरा टर्म मान के चलिए। तो देखो एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए स्मॉल एक्स मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा ए है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि एक जगह तो प्लस है और एक जगह माइनस है, ये तो फर्क है। आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी चीज ये? अरे एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, इसका कलर मैं ब्लैक करता हूँ, एक बार आप इसको दोबारा देखिए, एक चीज दोबारा देखिए, ये आपका देखो एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, इसको आप थोड़े के लिए एक्स मान लो, एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर ये आपका क्या है एक्स, टू ए एस को थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इस टू ए एस को थोड़ी देर के लिए ए मान लो, तो आपके ये टर्म आपने सेपरेट कर लिए। अब आप ये देखिए एक बार तो प्लस है और एक बार माइनस है, यानी कि हम इसमें अगर ये टर्म लगाना चाहें तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि एक फैक्टर हमारा एक्स है, एक फैक्टर ए है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहने जा रहा हूँ सभी से जो भी इस क्लास में एक्टिव है, yes, sir. तो उसका आंसर क्या है, आप इस ए और इस ए को ऐड कर दो, यहाँ लिख दो और फिर पहले माइनस का टर्म लिख दो, माइनस करके प्लस का टर्म लिख दो, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपका ए क्या है, यहाँ पे जो आपका है ए है, वो यहाँ पे एक्चुअली ए क्या है, टू ए एस और टू ए एस, तो आप इन दोनों को ऐड करके लिख दो तो फोर ए एस हो गया, पहले माइनस वाला लिख दो, माइनस करके प्लस वाला लिख दो। अब आप मुझे ये बताओ आपके ये फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था? अब ऊपर क्या है, ऊपर क्या है एस है, ऊपर ये एस है, तो इस एस को एज इट इज यहाँ ऊपर एस को मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही ऊपर एस मल्टीप्लाई करोगे तो इस एस से एस कट जाएगा, फाइनली आपका इस पूरे का पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल वन अपॉन फोर ए इंटू ये फैक्टर हो जाएगा। अब आप देख लो आगे एस से एस कट गया, ये जो एस अंदर गया या इसको एस को बाहर ले लो एक ही बात है, कट गया, तो आपका फाइनली ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ये टर्म आ गया। देख लो और मुझे बता दो विदाउट एनी डेरिवेटिव, विदाउट एनी फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपने ये डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये मैंने लास्ट क्लास में, बस लास्ट क्लास में लास्ट में ही बताया था, फिर मैंने कहा था कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन मैं क्लास में बताऊंगा, तो ये वो क्वेश्चन है। हालांकि आप इसमें अपना एज यूजुअल मेथड लगा सकते हो। चलिए तो बताइए ये चीज आपके समझ में बैठी या नहीं बैठी, ताकि मैं फिर अपना अगला काम स्टार्ट करूँ। ये वाला टर्म आया कि नहीं आया, समझ में कैसे आया? अरे तो मोदी यही, मुझे एक ही की आवाज आ रही है बस, बाकी तो मुझे लग रहा है इन सर आ गया सर, वेरी गुड, अच्छा आ गया। मुझे लग रहा है ऐसे 3:30 का टाइम सोने का होता तुम्हारा तो कहीं सुबह हम जा देते हैं। आधे बच्चे ना क्लास में 31 में मेरा दो दो मुझे हटा दो तुम, एक मैं एक मेरा प्रेजेंटेशन, तो 29 स्टूडेंट्स है ओनली इन द क्लास, लो 30 हो, वो भी एक और कम हो गया 28 हो गया, हाफ से भी कम है। खैर कोई बात नहीं, हम तो हैं उसका क्या करें, उसमें से भी आधे तो इनएक्टिव होंगे, यूम ऑन करके चले गए होंगे, लास्ट में मास्टर अटेंडेंस लेगा, हो जाएगा उस काम आज का। चलो तो देखिए, तो ये है हमारा जो मैंने बताया फाइनली, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन में, यहाँ तक मैंने बताया जो ये चीज़ है। अब आप इसमें क्या करोगे, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओगे, यहाँ इनवर्स ले लो क्योंकि अभी तक केवल आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, और यहाँ इनवर्स ले लो। बेटा सबसे पहले मुझे बताओगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी,
पशु नहीं गलत। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लीनियरिटी। सबसे पहले ये दो टर्म्स को आप सेपरेट करोगे, सबसे पहले लगाओगे लीनियरिटी, अब लगाओगे जो कह रहे हो फर्स्ट शिफ्ट। क्या होगा इसका फर्स्ट शिफ्ट से आंसर? एनीवन वांट, एनीवन जो बताना चाहता हो, बताने का इच्छा? रेस्ट पावर माइनस ई रेस्ट पावर 80 लाप्लास ऑफ इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत सही है। और 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस e स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या होता है? साइन 80 अपॉन a। साइन 80 अपॉन a। गुड, क्या नाम है आपका? रौनक। रौनक बिल्कुल सही आंसर है। अगला वाला कोई और बताइए। 1 अपॉन s प्लस a होल स्क्वायर a स्क्वायर कौन बताना चाहेगा? जिसको बताना है अपने आप बनाना चालू कर दो। नहीं मतलब एक ही स्टूडेंट है जिसको पढ़ा रहा हूं मैं, है दूसरे का क्या होगा? अरे क्या मतलब है ऐसे पढ़ने का फिर बताओ। सर सेम ही होगा, बस e की पावर माइनस 80 हो जाएगा वो पहले। e की पावर माइनस 80 हो जाएगा बस, ठीक है। e की पावर माइनस 80। हाँ बोलो। साइन 80 अपॉन ए। हाँ सर सही है। क्या सही है, तुमने बोला तो नहीं। ये देखो ये आंसर आ गया तुम्हारे सामने, माय फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, ये ऐसे लिख दिया। हाँ सर सेम है, बस वो माइनस 80 आ रहा है बस वो। हाँ हाँ ठीक है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है बेटा। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया? sin 80 अपॉन है और ये sin 80 अपॉन है। बस एक बार यहाँ माइनस आ जाएगा, एक बार यहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों में से sin 80 अपॉन एक कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन आ गया और इसके बाद हमारा बच गया e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80। अब आप मुझे बता सकते हो इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 क्या होता है ये? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x क्या होता है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x क्या होता है इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हैं 2 sin hyperbolic x, बहुत ही बढ़िया बात है। किसी को नहीं आया, नहीं पता नहीं क्या है 2 sin hyperbolic x। सर बताया सर चैट में? चैट नहीं बताओ यार, मेरी स्क्रीन ओपन है भाई, मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ, फुल स्क्रीन ऑन है मेरी। चलो देखता हूँ चैट में, एक्चुअली मोबाइल पे तो आ जाती है लेकिन ठीक है। गुड आंसर। चलो सो फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम इसमें रख देंगे। ये देखिए मैंने रख दिया और मैंने बता भी रखा है आपको और ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, बस रख दिया, ये इसका आंसर हो गया। सो फाइनली ये इसका आंसर आ गया साइन 80 इंटू साइन हाइपरबोलिक 80 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा अलग अलग, तो मुझे इसके अलग अलग आंसर मिलेंगे। कैसे? आप देखिए अगर मैं इसमें ए की वैल्यू 1 कर दूँ, ए की वैल्यू 1 कर दूँ तो मेरा नया क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको कैसे करना है? बिल्कुल जैसे मैंने करा है, ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। बस यहाँ ए को 1 कर दीजिएगा, ये हट जाएगा, मतलब ये जो ए का स्क्वायर है ये हट जाएगा। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ ए कहीं पर भी ए नहीं आएगा, दैट्स ऑल। इस तरीके से करके आप इस सेकेंड क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखना है, ठीक है? और अगर आपको नहीं हो तो आप इसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से इसी क्वेश्चन को कर लो, बाद में ए बराबर 1 कर देना इसमें, देन यू गेट द आंसर। एक और आता है ए की वैल्यू 1/2। अगर मैं इसमें ए की वैल्यू 1/2 रख दूं तो ए की पावर 4 कितना बन जाएगा?
अपॉन 16 वन अपॉन 16 बन जाएगा, वन अपॉन 16, यानी कि आपका नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एल इनवर्स एस अपॉन एस 4 प्लस ये बन गया 1/16, साथ में मल्टीप्लाइड है 4, तो ये आपका नया क्वेश्चन तैयार हो गया ये। और इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ एक ही जगह 1/2 लगा दो, यहाँ एक ही जगह 1/2 लगा दो, यहाँ एक ही जगह 1/2 लगा दो, यानी कि आपका नया क्वेश्चन क्या हो गया, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया इनवर्स लाप्लास 4s अपॉन s 4 प्लस 1, ये हो गया आपका नया क्वेश्चन। देखो तो a की वैल्यू चेंज करने से क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया, तो आप ये देखो, आप ये होता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा था ये एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन तो है ही, तीन बनते हैं इससे। अब आप ए की वैल्यू चेंज करते जाओ अपनी मर्जी से, तो नए नए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है आपके पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। अब ये है आपके क्वेश्चन, ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, तो जरा एक बार मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं बस एक दो क्वेश्चन मुझे करके बता दो, बस आपके लिए बहुत है इतना। लीजिए, वी हैव स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप फटाफट ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, और मुझे इसका आंसर बताइए। आप सभी को विजिबल है आई थिंक ये क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने होल्ड कर रखा है। यस सर, विजिबल। नाइन सॉल्व एंड फाइंड द आंसर, फटाफट मुझे करके बताइए। चलिए स्टार्ट हो जाइए सभी। टू एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 2 इंटू एस माइनस 3, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। चलो करो, और मुझे इसका आंसर बता दीजिए जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस ही बोलते जाइएगा। फर्स्ट अटेंडेंस आर्यन निवारा, रितिश माथुर, प्रेजेंट सर, राधिका, प्रेजेंट सर, नेक्स्ट इज राघव सैनी, राहुल, राहुल मीणा, नहीं है, राहुल अग्रवाल, यस सर, राहुल टाक, ठीक है राहुल टाक, ठीक है ओके। और भाई और नहीं आया मेरे पास रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तभी कुछ करूंगा मैं आगे। सौरभ कुमावत,
सौरभ को मामा हो गए तुम्हारे रिटर्न्स, ठीक है, रिप्लाई फटाफट बताइए, दो ही आंसर आए हैं बस, बाकियों ने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया अभी तक। हाँ भाई आर्यन मेवारा क्या हुआ, आर्यन अटेंडेंस हो गई तुम्हारी, अब क्वेश्चन का क्या प्रोग्रेस है? लो लिखो नेक्स्ट। टू एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, ये बात तुम इसको अपने तरीके से करो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा कितना इजी कर रखा है। हाँ भाई जो क्लास में शुरू से हैं, और राहुल भी आ गया, तो राहुल भी आ गया, राहुल मीणा, हाँ भाई राजू शर्मा और भी हैं, लास्ट क्या हुआ भाई प्रोग्रेस बताइए क्लास की, मतलब क्वेश्चन की। अभी क्या हुआ, गलती करके पूछ के क्या ये कर रहे हो सॉल्व? ओके चेक करेंगे बेटा अभी, वेट विनीशा आंसर इज दिस, ओके विनीशा चेक करते भी आंसर, और भी करिए फटाफट बेटा, रिप्लाई कम आ रहा है आप लोगों का, फटाफट सॉल्व करो। जिसने पहला कर लिया है वही क्वेश्चन और लिख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, टू एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, इसे सॉल्व करो एक बार। ओनली थ्री रिप्लाई आर देयर, बाकी कहाँ गए, अटेंडेंस हो गई सो गए क्या? करो रजनीश करो करो करो, अभी राकेश कुमार, राकेश कुमार एक्टिव हो या इनएक्टिव हो गए? राकेश कुमार, राकेश कुमार क्वेश्चन किया आपने, कर रहा हूं मतलब नहीं करा अभी तक,
अगली बार स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, सबसे ध्यान रखना आपके अटेंडेंस देने से पहले। फॉर्मूला याद नहीं? खराब हो गया, कैसे लग गया तुमको? ओके, तो वी विल चेक आंसर जिन्होंने भी किया है। अगली बार से बेटा मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, और एक्टिव नहीं मिलोगे तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा। लकी मैं अटेंडेंस लास्ट में लिया करूंगा, एकदम लास्ट में, क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिप्लाई नहीं मिल रहा मुझे। सर आ गया आंसर, यही है आंसर, यही है तो चैट बॉक्स में लिख। चलो देख लेते हैं एक बार, ये तुम्हारा आंसर सामने तुम्हारा ये रहा, तो यू कैन सी योर आंसर, ये रहा इसका आंसर। अब आप देख लो जितने मैंने किया है ईमानदारी से उनका ये आंसर है कि नहीं है, और थोड़ी बहुत गलती तो हो जाए। हाँ बढ़िया है, थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत गलती तो ये पहले चल जाती है, तो मैं भी करूँगा सॉल्व, तो मैं भी हो सकता है गलती कर जाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको दिया था, वो अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 2s² - 1 / s² + 1 / s² + 4। अब आपने इसका फैक्टर कैसे किया होगा? मैक्सिमम बच्चों ने जो भी कर रहे हैं उसका फैक्टर as + b से किया होगा, ऐसे किया होगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और cs + d से किया होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। नीचे वाले देखो आप, क्वाड्रेटिक है, एस की पावर 2 है, सिंगल एस की पावर 1 नहीं है, s² + 4 है, दैट्स वाई ये ऐसे होगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या किया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ एस स्क्वायर है, तो इसने एस स्क्वायर को कोई वेरिएबल x मान लेते हैं। बिल्कुल सही है, एस स्क्वायर की जगह पी मान लिया जैसे इसने, और फिर नॉर्मल फैक्टर हो जाएगा एकदम। देख लो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन मैंने शेयर करी है, एस स्क्वायर को इसने पी मान लिया है। आप एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगता है उस अल्फाबेट को मान लो और अपना आंसर फाइंड कर लो। ये देखो फाइनली इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, रौनक का आंसर आया था, ये सेम ये आंसर आ गया। सर थोड़ी मिस्टेक है सर, 2 आया दोनों, हाँ चलो कोई बात नहीं, तो हाँ हाँ थोड़ा बहुत हो गया। अच्छा ये गलत है आंसर इसका, तुम्हारा गलत है? मेरा गलत है सर। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो होता है, जो बिल्कुल नहीं करता उसके लिए तो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक फैक्टर तो नॉन रिपीटेड है, जबकि तीन फैक्टर रिपीटेड है, तो तीन तो ऐसे लिखे जाएंगे, 3 times एक लिखा जाएगा ऐसे, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद वो ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, फिर ए बी सी डी की वैल्यू उसमें रखो, और इसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लो, सॉरी इनवर्स लाप्लास फाइंड कर लो। ये होता है आपका तीसरा क्वेश्चन, ये भी एक बुक मैंने आपको शेयर करी थी अन्ना पब्लिकेशन की, बालियन गोयल, याद है आपको? यस सर, बालियन गोयल, बालियन गोयल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म खोल के देखना आप, अच्छे को अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये उसी बुक क्वेश्चन इसी बुक का है, ये बालियन गोयल इसी का है ये। अब ये क्वेश्चन भी बालियन गोयल के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नीचे आपको करवा दिया है, ये क्वेश्चन देखो फोर्थ, आप इसको देखिएगा, ये मात्र 5 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है, मात्र 5 लाइन है, कैन यू बिलीव इट? आप देखिएगा कैसे सॉल्व कर रखा है इसको, उसने ट्रिक देखिएगा इसकी, बालियन गोयल में, ये मैंने आपको शेयर कर रखी है ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर, अगर किसी के पास नहीं हो तो मुझे बता देना, और मेल आईडी दे देना, मैं उसको मेल भी कर दूंगा बता दें। और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, आज आपको करने हैं, और असाइनमेंट मान के चलिए जो जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो भी आप करते जाइएगा, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो इनको आप खुद से कर। सर आप तो हर PDF के नीचे क्वेश्चन देते हो। हर PDF में देता हूँ ना मैं, तो या लिख दूँ क्या कह रहे हो, समझा नहीं, हर PDF के नीचे, हर PDF के नीचे क्वेश्चन देते हो? हाँ तो तुम करा करो, तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलो क्लास में। आज की ये कहानी आपकी कंप्लीट है फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन की, अब नई क्लास में अपन नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे लाप्लास की भी और इनवर्स लाप्लास की भी, अब आएंगी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो सर जो PDF में क्वेश्चंस होते हैं उसी लेवल के आएंगे क्या एग्जाम में भी?
आरटीओ का पेपर खोल कर देखो, आरटीओ पेपर है आपके पास? आप आरटीओ अपने एसकेआईटी की साइट पे जाओ, एसकेआईटी की साइट पे जाओ, वहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे आपको डी स्पेस पर।